इसका कोई सलूशन नहीं है सर। सलूशन एक होता है पुलिस वाला, एक होता है गुंडा। हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। सिंघम अगेन के क्लाइमेक्स पर रोहित शेट्टी ने खर्च कर डाले 25 करोड़ रुपए। 5 हीरो का दिखेगा धमाकेदार एक्शन। रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के शौकीन है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। हर बार कार एक्शन सीन से दर्शकों को चौंकाने वाले रोहित शेट्टी अपनी अपकमिंग मूवी सिंघम अगेन में कुछ खास करने जा रहे हैं। बीते कुछ सालों में हिंदी सिनेमा में बिग बजट मूवीज का दौर जोर पकड़ चुका है। फिर वो चाहे प्रभास, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की कंकीट में 898 एडी हो या जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा की आरआरआर हो, हर बड़े बजट की फिल्म ने बड़ी कमाई की है। रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की मूवी सिंघम अगेन अब इन सब बिग बजट मूवी से आगे निकलने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंघम अगेन मूवी के जरिए फिल्म मेकर रोहित शेट्टी अब तक का सबसे महंगा क्लाइमैक्स सीन शूट करने की तैयारी में है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये फिल्म 250 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, जिसका क्लाइमैक्स प्रोडक्शन की कुल कॉस्ट के 10% हिस्से से शूट होने वाला है और इस क्लाइमैक्स सीन पर रोहित शेट्टी 25 करोड़ रुपए तक खर्च करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म के क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त शोडाउन नजर आने वाला है, जो क्लाइमैक्स को बहुत ही इंटेंस बनाएगा। ये शोडाउन होगा डीसीपी बाजीराव सिंघम, एसीपी संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा, डीसीबी वीर सूर्यवंशी के बीच, और ये तीनों मिलकर एक बड़े विलेन से टकराएंगे जिसका नाम होगा डेंजर लंका। इस क्लाइमैक्स सीन में और भी बहुत कुछ बहुत खास होने जा रहा है। सबसे पहले तो इसमें अजय देवगन, रणवीर सिंह और अक्षय कुमार होंगे, जिनका मुकाबला अर्जुन कपूर से होगा। इसके अलावा एसीपी सत्या के रूप में टाइगर श्रॉफ और एसीपी शक्ति शेट्टी के रूप में दीपिका पादुकोण, अवनी कामत सिंघम के रूप में करीन कपूर भी दिखाई देने वाली है। और इस स्टार कास्ट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंघम सीरीज की तीसरी पेशकश बेहद ही खास होने वाली है।